सो मेरे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको Redmi 5 में MIUI 12 को देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर Redmi 5 का नाम देखने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली मुझसे बहुत सारे बंदे या यूजर्स कह रहे थे कि भाई Redmi 5 में MIUI 12 का अपडेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Redmi 5 का नाम देखने को नहीं मिलता है, तो मतलब आपको Redmi 5 में MIUI 12 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। और भी Redmi 5 में Redmi Note 4 जैसे डिवाइसेस में आपको MIUI 12 का अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन भाई रुको, आप वीडियो में जाने वाले हो, रुक जाओ भाई। आप वीडियो को डिसलाइक मत करो भाई, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपके पास Redmi 5 डिवाइसेस है तो आप कैसे MIUI 12 को इंस्टॉल कर सकते हो। और भाई ये बिल्कुल जेन्यून है, ठीक है, ऑफिशियल है, और कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, ना बूट लोडर अनलॉक की और ना ही TWRP रिकवरी की। तो कैसे करोगे, तो चलो यार वीडियो को आपको लेकिन शुरू से एंड तक देखना है। तो चलो यार वीडियो मेरे भाई, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, और जो भी वीडियो में क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में पूछ लो। और चलो मेरे भाई, अगर आपके Redmi 5 में MIUI 12 नहीं अपडेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा भाई, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। देख सकते हो आपको कंट्रोल सेंटर से लाइव वॉलपेपर से लेके सब कुछ देखने को मिलने वाला है आपके Redmi 5 डिवाइसेस में, और वो भी ऑफिशियल। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, अपना थीम स्टोर ओपन करना है। यहाँ पर बिल्कुल ऑफिशियल भी दो थीम बताऊंगा जिससे आपका पूरा MIUI 12 बेस्ड बन जाएगा आपका Redmi 5 डिवाइसेस। तो ऐसी दो थीम्स बताऊंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरी थीम्स में जाके। और सबसे पहली है MIUI 12 ऑफिशियल थीम है, यहाँ पर मैंने कई वीडियो में ये थीम बताया है। MIUI 12 मैं भी इंस्टॉल किया हूँ, और इस थीम में आपको कंट्रोल सेंटर भी MIUI 12 जैसा देखने को मिलेगा और लाइव में। तो ये थीम आपको देख सकते हो, मैं थीम नेम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12 आपको ये सर्च करना है। आप लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका पूरा चेंज हो जाएगा, Redmi 5 डिवाइस पूरा MIUI 12 पर बेस्ड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आप लोग कंट्रोल सेंटर भी आपको MIUI 12 जैसा देखने को मिलता है। तो मेरे भाई अगर MIUI 12 अगर आपके में अपडेट नहीं आया तो मेरे भाई क्या हुआ, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और भी आगे बनाऊंगा, कुछ थीम्स आएंगी तो कुछ अपडेट्स आएंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो देख सकते हो ये थीम आप अपने Redmi 5 डिवाइसेस में लगाओ और MIUI 12 जैसा आपका लुक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट थीम के बारे में बात करें तो वो काफी क्लासिक है, यहाँ पर मैं आपको अप्लाई करके बता देता हूं। ये थीम का भी लुक देख सकते हो मेरे भाई, देख सकते हो अप्लाई हो चुकी है और आप लोग लुक देख सकते हो बिल्कुल MIUI 12 बेस्ड है। तो मेरे भाई यहाँ पर आप लोग दोनों ही थीम्स को इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी थीम्स आपको ज्यादा पसंद आती है। बस इसमें आपको लाइव वॉलपेपर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर आपको लेकिन कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। और कुछ चेंजेस दिखाएं तो मेरे भाई आप लोग सेटिंग्स पर जाके चेंजेस देख सकते हो, काफी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आइकन्स पैक टॉगल्स वगैरह सारे कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो MIUI 12 बेस्ड बिल्कुल बन जाएगा। और आइकन्स पैक की अगर बात करें तो आइकन पैक भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे जो कि MIUI 12 जैसे लगते हैं। तो इन दो थीम्स को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और बिल्कुल ऑफिशियल थीम है। तो डिस्क्रिप्शन में दोनों ही थीम्स का नेम देखने को मिल जाएगा और डाउनलोड लिंक्स भी आपको देखने को मिल जाएगी अगर आपके Redmi 5 में डिवाइसेस में देखने को नहीं मिलती है। बेसिकली आपको Redmi 5 डिवाइसेस में दोनों ही थीम ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगी, तो आप मज़े उठाओ बस। और वीडियो को अच्छी लगे तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करो, ऐसे ही आपके डिवाइसेस को लेकर वीडियो और आने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।